तेरहवां अध्याय, सुरत और वैश्य को देवी का वरदान। ध्यान, जो उदय काल के सूर्य मंडल की सी कांति धारण करने वाली है और जिनके चार भुजाएं और तीन नेत्र हैं तथा जो अपने हाथों में पाश, अंकुश, वर एवं अभय की मुद्रा धारण किए रहती हैं, उन शिवा देवी का मैं ध्यान करती हूँ। ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महत्तम का वर्णन किया जो इस जगत को धारण करती हैं। उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है, वे ही विद्या उत्पन्न करती हैं। भगवान विष्णु की माया स्वरूपा उन भगवती के द्वारा ही तुम, ये वैश्य और अनन्य विवेकी जन मोहित होते हैं, मोहित हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। राज, तुम उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाओ। आराधना करने पर वे ही मनुष्यों को भोग, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करती हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं, कौष्टकी जी, मेधा मुनि के ये वचन सुनकर राजा सुरथ ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले उस महाभाग महर्षि को प्रणाम किया। वे अत्यंत ममता और राज्य अपहरण से बहुत खिन्न हो चुके थे। महामुनि इसीलिए विरक्त होकर वे राजा और वैश्य तत्काल तपस्या को चले गए और वे जगदम्बा के दर्शन के लिए नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। वे वैश्य उत्तम देवी सूक्त का जाप करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हुए। वे दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप और हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले तो आहार को धीरे धीरे कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर देवी में ही मन लगाए हुए एकाग्रतापूर्वक उनका चिंतन आरंभ कर दिया। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से प्रोषित बलि देते हुए लगातार 3 वर्षों तक संयम पूर्वक आराधना करते रहे। इस पर प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा। देवी बोली, राजन तथा अपने कुल को आनंदित करने वाले वैश्य, तुम लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो वह मुझसे मांगो, मैं संतुष्ट हूँ, अतः मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, तब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट न होने वाला राज्य मांगा और इस जन्म में भी शत्रुओं की सेना को बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लेने का वरदान मांगा। वैश्य का चित्त संसार की ओर से घिन्न एवं विरक्त हो चुका था। बड़े बुद्धिमान थे, अतः उस समय उन्होंने तो ममता और अहंता रूप आसक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। देवी बोली, राजन तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर अपना राज्य वापस प्राप्त कर लोगे। अब वहां तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान विवस्वान के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सार्वणिक मनु के नाम से विख्यात होगे। वैश्यवर्य, तुमने भी जिस वर को मुझसे मांगने की इच्छा व्यक्त की है उसे देती हूँ, तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित वरदान देकर और उनके द्वारा भक्ति पूर्वक अपनी स्तुति सुनकर देवी अंबिका तत्काल अंतर्ध्यान हो गई। इस तरह देवी से वरदान पाकर क्षत्रियो में श्रेष्ठ सुरथ सूर्य से जन्म ले सारवणी नामक मनु हुए। इस प्रकार श्री मार्कंडेय जी पुराण में सार्वणिक मन्वंतर की कथा के अंतर्गत देवी महत्तम, सुरथ और वैश्य को वरदान नामक यह 13वां अध्याय संपूर्ण हुआ। इसी प्रकार की अन्य व्रत एवं पौराणिक कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आप ही दूसरों तक इन्हें पहुंचाकर धर्म लाभ प्राप्त कर सकें।